इस वक्त शिवसेना भवन के बाहर काफी ज्यादा गहमागहमी शुरू हो चुकी है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि शक्ति प्रदर्शन का दिन भी है, ताकत दिखाने की कोशिश, एकनाथ शिंदे जो करीबी है उद्धव ठाकरे के, उन्होंने ही उनकी कुर्सी को संकट में डाल दिया है। अभी किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं? जो समर्थक पहुंचे हुए उनसे बातचीत कीजिए मुस्तफा। आप जैसा कह रहे हैं इस वक्त शिक्षा भवन के बाहर है, यहाँ पर शिव सैनिक जो खड़े हैं उनसे बात करेंगे। आप लोगों से जानना चाहेंगे आज क्या माहौल है, सरकार में है, लेकिन एकनाथ शिंदे जो कि सेना के काफी करीबी थे, अब वो विधायक को लेकर अलग हो गए, सरकार खतरे में, ऐसा कहा जाए। प्रश्नच नहीं कळला मला, मेरे को सवाल ही नहीं। उद्धव सरकार खतरे में ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होएगा, आम्ही सरकार खतरे में हे विचार करत नाही, पण जे जे शिवसेनेमध्ये जे फुटतील त्यांनी स्वतःचा याच्या पुढे स्वतःचा जीवोष जप्त करून दाखवावा। त्यांचे प्रत्येक जण थाना असू दे, जे जे कुठून जातील जरा उनसे बोलूंगी। हिंदी में बातचीत करें और इतनी बड़ी तादाद में समर्थक क्यों जमा है, इस बारे में भी पूछे। प्रेम दिलाय काय आणखी पाहिजे होता? अरे ज्याची औकात नव्हती त्यांनी एवढा मोठा शिवसेना करून ठेवला। मुस्तफा, आणखी काय जरा पाहिजे होतं? आणि तुम्ही आज उद्धव साहेबांना असेही त्रास देता तुम्ही। अगर हिंदी में आप बातचीत कर पाए मुस्तफा शेख, उन लोगों से हिंदी में बातचीत कर पाए और उनसे पूछे कि बड़ी तादाद में इकट्ठा क्यों हुए हैं वहाँ पर। पक्ष ने सब कुछ दिया, उस पक्ष को छोड़ के जाने की नौबत क्यों आई, पक्ष को छोड़ना क्यों पड़ा, और क्या चाहिए था एकनाथ शिंदे के लिए? ये चीज नाम के ऊपर पिक्चर निकाल के खुद का प्रमोशन करके ऐसे पक्ष को वेटिस धरने वाले एकमेव नेता एकनाथ शिंदे आए। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। पहले से लेके आज तक इतना शिवसेना ने उनको बड़ा किया है, वो शिवसेना के साथ गद्दारी करते हैं, तो ये सारा जो शिव सैनिक जमा है वो बाला साहब का शिव सैनिक है। एक न एक दिन उनको उनकी जगह दिखाने के रहेंगे, ऐसा शिव सैनिक है, कट्टर बाला साहेबांचे शिव सैनिक है। त्याच्यामुळे तुम्हाला गद्दारांना शिवसेनेमध्ये कुठेही जागा नाही। छत्रपति शिवाजी महाराजांची बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आहे, त्याच्यामुळे इथे गद्दारांना कुठेही जागा नाही। मी एक बोलू इच्छितो त्यांनी मान्य धर्मवीरांचा जो आता चित्रपट काढला, त्यांच्या डोक्यात हाच फोकस होता, त्यामुळे हा पिक्चर काढला। आणि इतिहास बघून बघा मानव मागचा पण येणारा पुढला। मुस्तफा, अगर लोगों से आप बातचीत कर पाए हिंदी में, अगर मेरी आवाज आपको मिल पा रही हो, मैं चाहूंगी कि जिससे भी बातचीत कीजिए वो अगर हिंदी में बातचीत कर पाए, हमारे दर्शक समझ पाए। जी बिल्कुल, वही कहने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि धर्मवीर पिक्चर जो है वो निकाली गई थी, वो आनंद दिघे के ऊपर पिक्चर थी, जिसमें एकनाथ शिंदे का रोल था, जो आनंद दिघे के राइट हैंड माने जाते थे। उसके बाद उस चीज की ब्रांडिंग करके एकनाथ शिंदे अलग हुए हैं, ऐसा यहाँ पर जो शिव सैनिक मौजूद है उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि शिवसेना से इतिहास में जितने भी लोग अलग हुए हैं उन लोगों का आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ सत्ता में, ये एक दूसरी बात यहाँ पर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो नाराजगी है वो दिखाई दे रही है एकनाथ शिंदे के खिलाफ, और जो उनके साथ एमएलए गए हुए हैं उनके साथ, उनके ऊपर जो है वो नाराजगी यहाँ पर पूरी तरह से झलक करके आ रही है। हम तुम्हारे साथ हैं। अभी सरकार को लेकर के आपको क्या लगता है कि सरकार खतरे में है? देखो, सरकार का बात अलग है, आज ये शिवसेना के ऊपर, शिवसेना पक्ष प्रमुख को वेटिस धरने वाले लोगों के बारे में हम लोग इधर जमा हुए। शिवसेना पक्ष को वेटिस धरने वाले को शिव सैनिक कभी माफ नहीं करते, इससे पहला भी इतिहास है, इसके आगे का भी इतिहास है। इसलिए किसी भी जो इधर गद्दार होता है वो गद्दार की जगह उसको किसी भी हालत में मिलती है। शिवसेना में गद्दारों को कहीं जगह नहीं है, ये शिवसेना का इतिहास है, ये आप लिख के रखो। एकनाथ शिंदे कौन है वो भी हम दिखा रहे हैं, जरा उनका ट्वीट दिखा देते हैं। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे जो अभी कल तक बेहद करीबी नेता उद्धव ठाकरे के माने जाते थे, राइट हैंड उनके, और अभी उनको लेकर स्थिति क्या हो गई है, फिलहाल उनका ट्वीट देखिए। हम बाला साहब के कट्टर शिव सैनिक हैं, बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है, हम सत्ता के लिए बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे साहब की शिक्षा से समझौता नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे की ओर से ये ट्वीट किया गया है। 59 साल के ये नेता, आपको बताते चले, जिनका कई इलाकों में काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता है। 2019 में एक बार तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि एकनाथ शिंदे क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसको लेकर भी शिवसेना की तैयारी पूरी थी। हालांकि बाद में जब गठबंधन की सरकार बनी तो उद्धव ठाकरे ने अपने हाथों में ये कमान ले ली। वो एकनाथ शिंदे नाराज हैं, वो गुजरात में बैठे हुए हैं, गुजरात में आरोप ये लग रहा है कि दरअसल बीजेपी इसके पीछे ऑपरेशन लोटस चलाकर सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। ये आरोप लगातार शिवसेना की ओर से लगाए जा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त जो शिव सैनिक हैं वो भी इकट्ठे हो गए हैं और एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा जा रहा है। इस वक्त एकनाथ शिंदे का अगला मूव क्या होगा, इसी के साथ ये बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। अपने दोनों मेहमान की बात है उसके पहले वो ग्राफिक्स जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से मुश्किलों में इस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार नजर आ रही है। हालांकि संजय राउत इस बारे में बार बार दावा कर रहे हैं कि हमारी बातचीत हो चुकी है और तमाम वो विधायक हैं उनको वापस लाने की कोशिश और कवायद लगातार जारी है। बीजेपी के ऊपर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाते हुए ये कह रहे हैं कि बीजेपी बेचैन है लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। एक बार वो ग्राफिक्स हम दिखा देते हैं कि कैसे 144 विधायक चाहिए सरकार को बचाने के लिए और इस वक्त दोनों ही तरफ से चाहे वो बीजेपी गठबंधन हो या फिर इधर दूसरी तरफ शिवसेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन हो, उनकी कोशिश ये है कि सरकार को कैसे बचाया जाए। 26 विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही है लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि 17 से 18 विधायक ही उनके साथ मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो तमाम विधायक घर वापसी करेंगे और इसी के साथ मजबूती से हम पूरे 5 सालों तक अपनी सरकार चलाएंगे। वो ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं जल्दी से, लेकिन उसके पहले शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इन सब के बीच शिंदे शीर्षासन कराते हुए क्या सरकार को दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनके ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें वो लिख रहे हैं कि हम बाला साहब के सच्चे शिव सैनिक हैं, बाला साहब ने हिंदुत्व सिखाया है, हम सत्ता के लिए कभी भी धोखा नहीं देंगे। इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच ये देखिए कुल 287 सीटें हैं, वैसे तो 288 हैं लेकिन एक विधायक के निधन के बाद 287 बहुमत के लिए चाहिए। 144 का आंकड़ा एनसीपी के पास है, 54 शिवसेना के पास है, 55 26 विधायक उधर हैं। इस तरह से बचे कुल 29, कांग्रेस के पास है 44। इस तरह से अल्पमत में हो जाएगी सरकार अगर इन 26 विधायकों ने अपना बगावती रुख एकनाथ शिंदे के साथ ही जारी रखा। तो अब इन 26 विधायकों का क्या होगा। दल बदल कानून हालांकि इनके ऊपर लागू होता है तो इस हिसाब से इनकी सदस्यता चली जाएगी। ये एक लंबा प्रोसेस होगा। बीजेपी क्या सरकार बना लेगी इसमें भी अभी दूर की कौड़ी है। इसी वजह से शायद बीजेपी के नेता कहा जाता है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 2019 में बीजेपी के लिए जो स्थिति बनी थी इसीलिए बीजेपी के नेता बेहद सधा हुआ बयान दे रहे हैं या फिर इस पूरे मामले में कुछ भी खोलकर कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जब महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है जो आम पक जाता है वो तो खुद ब खुद टूट जाता है, लेकिन यहाँ का आम अभी थोड़ा कच्चा दिखाई दे रहा है।